राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रविवार को नागालैंड में कहा कि केंद्र सरकार नागालैंड के लोगों के लिए गरिमा, समान अधिकार और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है। नागालैंड में किसामा में राज्य के स्वर्ण जयंती समारोह और हॉर्नबिल महोत्सव 2013 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि समावेशी और स्थायी विकास तथा सभी को आर्थिक विकास का फायदा पहुंचाने के लिए राज्य में शांति और सुरक्षा जरूरी है। Let a new dawn emerge. Let us together move forward with faith in our common destiny. The government of India is determined and duty bound to ensure that every Naga lives with dignity, having equal rights and equal opportunity. पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामरिक महत्व का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि मजबूत भारत के निर्माण में यह क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि 5 देशों चीन, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र की सीमाएं दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के बीच एक प्राकृतिक सेतु का काम कर रही हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ महत्वपूर्ण संबंध कायम करने की विदेश नीति यानी लुक इस पॉलिसी का जिक्र करते हुए श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि शेष एशिया के साथ भारत के घनिष्ठ संबंधों से आर्थिक लाभ बेहतर तरीके से सुनिश्चित किए जा सकते हैं। The north east of India shares border with 5 countries and is a natural bridge between India and Southeast Asia. The essential philosophy of India's look east foreign policy is that India must find its destiny by linking itself more and more with its Asian partners and the rest of the world. India's future and economic interests are best served by closer integration with the rest of Asia. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हॉर्नबिल महोत्सव आयोजित करने के लिए नागालैंड सरकार और राज्य के लोगों की सराहना की। यह महोत्सव एक सामूहिक प्रयास के तहत सभी नगा जनजातियों को उनकी समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और धरोहरों के संरक्षण के लिए एक मंच पर लाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। 10 दिन तक के इस महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने करा। राज्य के गठन के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह में राष्ट्रपति ने नागालैंड का एक स्मृति टिकट भी जारी किया। नागालैंड के 50 सालों के इतिहास में यहाँ पर विकास और आधारभूत संरचना के लिए सरकार जहाँ एक तरफ राजनीतिक स्थिरता के लगातार प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ के आदिवासियों की सालों पुरानी सांस्कृतिक विरासत को, इस धरोहर को बचाए रखने पे भी लगातार काम कर रही है और राष्ट्रपति की मौजूदगी हॉर्नबिल फेस्टिवल में इसी बात का संकेत है। कैमरामैन सी के अशोक के साथ ऋतु वर्मा, किसाना, नागालैंड।